गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप हैप्पी एंड फाइन. बच्चों, आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो इंग्लिश में आज हम आपको कराएंगे यूज ऑफ ए एन एन, यूज ऑफ ए और ए एन एन. तो उससे पहले बच्चों, आज हम आपको कराएंगे ए और एन से पहले हम आपको थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में बता देते हैं कि अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं. अल्फाबेट हमारे होते हैं जैसे कि ये मैंने लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो ए से लेके जेड तक हमने लिखा है, ये हमारे क्या बोलते हैं, इनको हम अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं. ठीक है, तो अल्फाबेट हमारे बच्चों काउंट में कितने होते हैं, अभी हम आपको काउंट करके भी बता देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. तो काउंटिंग में ये हमारी कितनी होती है बच्चों, 26. ये हमारे होते हैं अल्फाबेट. ये सब हमारे मिलके क्या बनते हैं, अल्फाबेट हैं. लेकिन अल्फाबेट में बच्चों हमारे क्या होता है, वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं. इसमें इन 26 में हमारे वोवल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं. तो वोवल्स जो हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको ये अभी बता देती हूँ, अभी फाइंड आउट करवाती हूँ. जैसे कि हमारे वोवल कितने होते हैं, वोवल हमारे 5 होते हैं. कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ, सॉरी एक मिनट, ए आई ओ टी. ठीक है, तो इसमें हमारे हमें वोवल बताने हैं. तो कैसे बताएंगे हम आपको, वोवल है हमारा ए ई आई ओ यू. ये हमारे क्या हैं, वोवल्स हैं. इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोवल्स हैं, जो कि हमारे काउंटिंग में कितने होते हैं, 5 होते हैं. कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं, वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. कितने होते हैं, 5. कितने वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं हमारे. ठीक है, उसके बाद बाकी के जो हमारे काउंटिंग में होते हैं, इन 5 को निकालने के बाद जो भी हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट. कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस V, W, X, Y, Z. तो ये बाकी के जो हमारे बचे होते हैं, ये 5 तो हमारे वोवल्स निकल गए इसमें से. ठीक है, जो हमारे 5 के बाद जितने भी सारे हमारे बचे हुए वर्ड्स होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट. ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं. ये काउंटिंग में कितने होते हैं, अभी आप देख लीजिए, जब हमारे 5 हमारे इसमें से वोवल निकल गए, उसके बाद हमारे काउंट में कितने रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. कितने रह गए बच्चों, ये हमारे 21. ये हमारे कितने रह गए,
21 हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, और 5 हमारे वोवल्स हैं। तो बच्चों चलिए आज हम अपने इसी टॉपिक पे चलते हैं कि हम इसका यूज, ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। तो जो वर्ड बच्चों हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं वहां हम ए और एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एन एन का यूज करते हैं। और जो वर्ड हमारे वोवल्स के अलावा जितने भी ये सारे हमारे वर्ड हैं अगर इससे शुरू होते हैं तो वहां हम ए का यूज करते हैं। कैसे करते हैं ए का यूज, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूं अभी। ठीक है, जैसे कि बॉय, ओके। देखिए अब हमारा ये क्या है, बी, बी ओ वाई, बॉय। तो हमारा ये क्या है, वोवल तो नहीं है ना, वोवल नहीं है ना हमारा, ये वोवल हमारा कौन सा होता है, ए होता है। ठीक है, ये हमारा वोवल नहीं है, तो बी ओ वाई, बॉय हमारा वोवल से शुरू नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ए का। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और मान ली जैसे हमारा ये सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल, आउल हमारा किससे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, ए एन एन का। ओके, अब ये है ट्री, तो टी आर डबल ई, ट्री। ट्री हमारा क्या है, वोवल नहीं है, तो हम यहां किसका यूज करेंगे, ए का। आई सी ई, आइस, आइस मीन्स होता है बर्फ। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, वोवल है, तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए एन एन का, एन आइस। ऐसे बच्चों हमारा और भी ऐसी कितनी एग्जाम्पल है हमारे, अनियन ये हमारा, बनाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओ एन आई ओ एन, अनियन। अनियन मीन्स क्या होता है, प्याज। तो ओ हमारा किससे स्टार्ट है हमारा, ये वोवल से, इसे है वोवल से, या तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, ए एन एन का यूज करेंगे। और ये हमारा बी, बी ए एन ए एन ए, बनाना। बनाना हमारा बी किससे स्टार्ट है, जो कॉन्सोनेंट है उससे स्टार्ट है, यानी कि हमारा यहाँ पे किसका यूज होगा, ए का। और ए एन आंट, ये हमारा क्या है, सॉरी आंट, ठीक है। तो ए हमारा वोवल है, तो यहां पर किसका यूज होगा, ए एन एन का। तो बच्चों टोटल आपको ये बताया गया कि जो वर्ड हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं वहां हम किसका यूज करते हैं, ए एन एन का यूज करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहां हम ए का यूज करते हैं। तो आपको, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा यूज ऑफ ए और एन का। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आप ये बच्चों वीडियो बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आके, क्लास में आके आप मैम से अपनी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब आपकी ये वीडियो यही समाप्त होती है। चलिए अब हम यही आपका ये वीडियो समाप्त होती है। ओके बच्चों, आई विल सी इन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।